दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है और अभी तक इसकी कोई शर्त या दवा या सफल दवा पूरे परीक्षण के साथ सामने नहीं आ पाई है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे सुरक्षित उपाय यही रह जाता है कि हम अपना ख्याल स्वयं रखें। इस महामारी से बचने के लिए कोविड-19 के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने के साथ साथ अगर हम आयुर्वेद के कुछ नुस्खों को अपनाएं तो हम अपने शरीर के सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं। हमारे घर की रसोई इन आयुर्वेदिक मसालों से भरी पड़ी है जिनका उपयोग हम दवा के तौर पर कर सकते हैं। इन्हीं आयुर्वेदिक नुस्खों में से एक है काढ़ा। हमारे देश में अभी भी सर्दी, जुकाम, दस्त या बुखार आने पर हम घर में बनाए काढ़े का उपयोग पर जोर देते हैं क्योंकि एलोपैथ दवाइयों की तुलना में इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे में जब कोविड-19 की कोई दवा नहीं है और इम्यून सिस्टम को सही रखने की बात की जा रही है तो क्यों न हम स्वयं से घर में बनी इन जड़ी बूटियों से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने वाले काढ़े को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो आइए सीखते हैं कि घर में ही किस प्रकार से काढ़ा बनाएं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सही और स्वस्थ रखे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यह काढ़ा किस प्रकार बनाया जाता है। ये गिलोय है और ये अश्वगंधा है, ये कुछ तुलसी के पत्ते हैं, ये आदि के टुकड़े हैं, ये हल्दी है, ये इलायची है, ये दालचीनी है, ये लौंग है और ये काली मिर्च है। इसके लिए सबसे पहले इसे हम इस प्रकार से छील के साफ कर लेते हैं। इसके ब्राउन कलर के ऊपर के परत को हटा देते हैं ऐसे। आसानी से हट जाते हैं ये। कुछ इस प्रकार हो जाते हैं और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इस प्रकार कर लिए। ये आसान होता है उबालने में इसे। फिर इसे हम रात भर पानी में भिगोते हैं। हमने पहले से इसे भिगो के रखे हुए हैं। जैसे 3 आदमी का काढ़ा बनाने के लिए 1.5 गिलास पानी लिए और इसे हम रात में भिगो के रख दिए। फिर इसमें कुछ हल्दी के टुकड़े को इस प्रकार चूर लिए, इसमें डाल दिए। आदि के टुकड़े को भी इस प्रकार चूर के इसमें डाल दिए और ये तुलसी के पत्ते हैं कुछ, ये डाल दिए। लौंग है ये भी डाल दिए। 2-4 काली मिर्च है इसे डाल दिए। ये दालचीनी है इसे भी तोड़ के डाल दिए और ये इलायची है। ऐसे करके इसे डाल दिए। अब ये अश्वगंधा है, ये आपके पास अगर इसका अश्वगंधा का भी जड़ लकड़ी हो तो अच्छा है। हमने पाउडर लिए हैं, पाउडर ये छोटे चम्मच 4 चम्मच से दे दिए। इस प्रकार इसको मिला के 5-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे रख देंगे। धीमी आंच पर उसे रख दिए। इसे ढकना नहीं है। 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिए। कहें इसे ढकना नहीं है।
इसे ढकना नहीं है, ये ऐसे ही धीमी आंच पर इसे खोलाना है। अब ये हो गया, इसे गैस बंद कर देते हैं। हमने 3 आदमी के लिए कढ़ा बनाया। इसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें मध डाल सकते हैं। एक चम्मच मध डाल सकते हैं। ये इम्यूनिटी पावर का काढ़ा। जड़ी बूटी है, स्वाद इसका कड़वा होता है। दवा है, लौंग, इलायची, हल्दी, तुलसी का पत्ता, दालचीनी, मध। अच्छे इसे थोड़ा गरम गरम ही पीना चाहिए। लकड़ी गिलोय का लकड़ी, सबको इससे सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब पर कंट्रोल, बीपी शुगर सब कंट्रोल। किलो तक काढ़ा पियो तंदुरुस्त। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।